नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इंडियन टेस्ट में। जैसा कि दोस्तों मैं आज आपके सामने फिर पेश हो गया एक बिल्कुल आज नई रेसिपी के साथ में। आज हम और आप मिलकर बनाते हैं अंगूर की खट्टी मीठी चटनी। जी हाँ दोस्तों, आपने आम की चटनी, टमाटर की चटनी, इमली की चटनी बहुत खाई है, पर आज हम और आप मिलकर बनाते हैं बिल्कुल खट्टी मीठी नई रेसिपी अंगूर की चटनी। चलिए दोस्तों, इसके लिए देख सकते हैं मैंने 250 ग्राम अंगूर ले लिया है। इसमें जो ख़राब अंगूर रहेगा उसको बैल छाट के हम लोग बिल्कुल अलग कर देंगे और इसे धो करके अच्छे प्रकार से साफ़ कर लेंगे और सारे अंगूर को हम लोग एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल करके इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग अब जल्द से ग्राइंड कर लेते हैं। और जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने अंगूर को ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए, और इसको चलिए हम लोग अब छान लेते हैं किसी स्टेनर की सहायता से। हम लोग इसको छान लेते हैं ताकि जूस में जो छिलका वाला पार्ट रहेगा वो अलग हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग स्टेनर को ऊपर रख करके और इस पर हम लोग सारे पेस्ट को डाल देते हैं और इस प्रकार से चम्मच की सहायता से चला करके सारे वेस्ट मटेरियल को हम लोग निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने निकाल दिया और अंदर सिर्फ हमारा अंगूर का जूस रह गया है। अब चलिए इसमें हम लोग एक चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपकी चटनी की थिकनेस भी बढ़ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मिक्स हो गया है। चलिए अब हम लोग अब आगे का प्रोसेस अब शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया है गैस पे और इसमें हम लोग लगभग 250 ml पानी डाल देंगे और इसमें लगभग 100 ग्राम के लगभग गुड़ डाल देंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। इस प्रकार से चलाते हुए सारे अंगूर गुड़ को हम लोग मेल्ट कर लेंगे और देखिए मेल्ट हो चुका है। अब हम लोग गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे फिर हम लोग थोड़ा ठंडा होने देंगे। चलिए दोस्तों, फिर से हमने दूसरा कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे। अब ये जब गर्म हो जाए तो हम लोग 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसमें हम लोग सॉफ्ट बिल्कुल खड़े इसको डाल देंगे और इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना वरना इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग गुड़ को मेल्ट किए थे जिस पानी को, उस पानी को सारे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे हम लोग मिक्स कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग अंगूर का जो जूस तैयार किया है हमने कॉर्नफ्लोर वाला, उसे भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे थे, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक एक कमेंट मुझे उत्साह बढ़ाता है कि मैं आपके सामने फिर किसी नई वीडियो को लेकर के आता हूं। इसलिए कमेंट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और लाइक और शेयर करना भी ना भूले। तो ये देखिए दोस्तों, ये मिक्स हो चुका है, इसमें थोड़ा हल्का हल्का गाढ़ापन आ गया है। ऐसे कुछ मसाले हम लोग ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और 1/4 चम्मच सौंठ और आधा चम्मच काला नमक और फिर आधा चम्मच लगभग नॉर्मल नमक भी हम लोग इसमें डाल देंगे और अच्छे प्रकार से मिक्स कर देंगे। हम इस प्रकार से लगातार चलाते जाएंगे। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपका ये ग्रेवी, बिल्कुल चटनी की ग्रेवी मोटी हो गई है। अब इसमें हम लोग रोस्टेड काजू बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें हम लोग डाल देंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसे, उस ड्राई फ्रूट का यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारी अंगूर की चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप किसी को भी खिलाएंगे तो इसका टेस्ट खाने के बाद वो बता नहीं पाएगा कि अंगूर की बनी हुई है। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग सर्व करते हैं अब। तो दोस्तों, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए। लास्ट में इसे हम लोग रोस्टेड वाटरमेलन सीड से इसको हम लोग और थोड़ा सा इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो दोस्तों, फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ में। दोस्तों, तब तक लिए नमस्कार। वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें।